नमस्कार दोस्तों, आज मैं फाइनली जा रहा हूँ रायगढ़। रायगढ़ क्यों जा रहा हूँ? पर्सनली कोई हैप्पी कस्टमर ने कमेंट किया था कि ओडिया लस्सी को लेकर वीडियो बनाओ, और उसके बाद फाइनली ओडिया लस्सी के ऑनर से मेरी बात हुई, और ऑनर से बात होने के बाद में मैं निकल चुका हूँ बिलासपुर से, और इस वक्त जयराम नगर में हूँ। जयराम नगर का वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ आपको नेम बोर्ड जो कि संगमरमर पत्थर से बना हुआ मिलेगा। आपको मैं संगमरमर पत्थर दिखाऊंगा। पर्सनली यहाँ से थोड़ा सा दूर है और मेरा जो सीट है थोड़ा सा पीछे है, तो वो उसका वीडियो मैं चलते चलते बनाऊंगा। और आज का ये वीडियो मेरे लिए कुछ खास होने वाला है क्योंकि सोचता था कि कमेंट आए उसके बाद में मैं कोई दूसरा सिटी जाऊँ, तो फाइनली आज वो कमेंट आ चुका है और आज मैं जा रहा हूँ रायगढ़। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ जो कि जुड़ी हुई है वो है पुष्पा जी, और पुष्पा जी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मेरा रायगढ़ आना हुआ इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारा कमेंट था, बोला जाए तो जो रायगढ़ से कमेंट आया था हमारे पास स्वाति तिवारी जी का, तो स्वाति तिवारी जी का कमेंट था कि ओडिया लस्सी को लेकर वीडियो बनाओ। और ओडिया लस्सी है क्या इस चीज के बारे में तो मेरे को भी नहीं पता था। फिर मैंने उनसे बात की और बात करने के बाद में पता चला कि पुष्पा जी घर के बाहर लस्सी बेचती है, तो ये चीज काफी अच्छा लगा। और कमेंट में एड्रेस वो बताई, उसके बाद में जैसे जैसे कांटेक्ट हुआ पुष्पा जी से, और पुष्पा जी से कांटेक्ट होने के बाद में फाइनली मैं रायगढ़ भी आ गया। और रायगढ़ आने के बाद ज्यादा दूर नहीं पड़ता है, बूढ़ी माई मंदिर के जस्ट तालाब के किनारे किनारे आप आएंगे तो सामने गौतम फार्म हाउस है, और गौतम फार्म हाउस से जस्ट सामने आपको ये मतलब कि बाहर में लस्सी बेचते हुए दिख जाएगी। बोला जाए तो इनका जो लस्सी बेचने का टाइमिंग होता है सुबह से ना, सुबह 10 बजे से शाम के 8 बजे तक। बोला जाए तो आपको किसी वक्त अगर आप एक बार लस्सी पिए रहेंगे, अगर आवाज भी लगाएंगे तो आपको लस्सी पीने के लिए मिल जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। और काफी उमदा बनाती है ये लस्सी, जैसे कि काजू, किशमिश और नारियल और मुरब्बे और उसके बाद में रबड़ी और फिर बॉमिटा, काफी उम्दा ये सारे चीज को मिलाकर बहुत ही टेस्टी ये लस्सी बनाती है। मेरा आना इसलिए जरूरी था, जब पता चला मुझे कि ये कोई दुकान नहीं लगाती, ये घर के बाहर बेचती है, तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और यही बोलना चाहूंगा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, या बिलासपुर से आप देख रहे हैं, या छत्तीसगढ़ के आप किसी भी कोने से देख रहे हैं, या आप रायगढ़ से हैं, तो आप पूरा दिल से सपोर्ट कीजिएगा इस वीडियो को। आप जहां तक पहुंचा सकते हैं वहां तक पहुंचाइएगा, क्योंकि यही एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है आप लोगों से कि जहां जिसका मैं वीडियो आपके बीच साझा करता हूं, उस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि मेरे हिसाब से पुष्पा जी जो काम कर रही है ये काफी ज्यादा प्रेरणा वाली बात है कि ये घर के बाहर इस चीज को कर रही है। कुछ लोग तो होकर भी नहीं कर पाते हैं, और कुछ लोग हैं कुछ करना चाहते हैं तो करके ही दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप जो देख रहे हैं मिक्सी का बड़ा वाला जार है, उसमें आपको आइसक्रीम मिल जाएगा और उसमें दही है और और शक्कर भी है। और आपको जो ये प्लेट में दिख रहे हैं, एक रबड़ी है, काजू है, बॉमबीटा है, मुरब्बे हैं, ये नारियल है और ये किशमिश है। ठीक, अब ये जा रहा है तैयार होने के लिए।
दोस्तों इस वक्त मैं हूँ रायगढ़ में, और रायगढ़ में इसलिए आया हूँ क्योंकि जो कमेंट था हमारे पास, स्वाति तिवारी जी कमेंट किए थे रायगढ़ से कि ओडिया लस्सी को एक बार दिखाओ, बोला जाए तो वीडियो बनाओ, और फाइनली मैं आ चुका हूँ। और जो लस्सी का मैंने रेसिपी आपको दिखा दिया है, और लस्सी का रेसिपी दिखाने के बाद अब मैं लस्सी को टेस्ट करने जा रहा हूँ। और एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से ऐसा लस्सी मैंने नहीं पिया है, और जिस हिसाब से इन्होंने बनाया है काफ़ी ज़्यादा उम्दा है। तो चलिए टेस्ट करते हैं और इसके बाद मैं स्वाद बताता हूँ। काफ़ी लाजवाब हैवी भी बना है, और बोले जाए तो काफ़ी टेस्ट तो एकदम दमदार है। मेरे हिसाब से अगर जो भी रायगढ़ आते हैं, ज़्यादा दूर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप बूढ़ी माई मंदिर का एड्रेस पूछिएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में लोकेशन डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में लोकेशन देख के आराम से यहाँ पर आकर आप ऐसी शानदार लस्सियाँ का स्वाद ले सकते हैं। मेरी मेन मोटिव है कि मैं अपना उड़ीसा का जो भी ट्रेडिशनल रेसिपीज है या डिशेस है, स्वीट हो या स्ट्रीट फूड हो, उसको सारे रायगढ़ में या छत्तीसगढ़ में या बाहर में सबके पास पहुंचाना है, और सबको उड़ीसा का जो भी ट्रेडिशनल रेसिपीज है उसको खिलाना है। मैं यहाँ जो भी रेसिपीज बनाती हूँ, सुबह 7 से 8 बजे के बीच में खोल लेती हूँ अपना शॉप, और अगर नहीं खोल पाई हूँ तो मैं ऊपर में रहती हूँ। आप कॉल करेंगे तो आपके लिए ऑर्डर पहुँच जाएगा, आप आके ले सकते हो घर से भी। और जो भी है, सुबह इडली और चटनी रखती हूँ, दही बड़ा जो कटक का फेमस दही बड़ा है, आलूदम वो भी बेचते हैं। कोई भी डेजर्ट है जैसे अरीसा हुआ, रसगुल्ला, छिन्नापोड़ा या पोड़ा पीठा, उड़ीसा का जो भी है वो आप एक दिन पहले ऑर्डर करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और जो भी ऑर्डर लेना है आपको नाश्ता का, उसके लिए आपको 2 घंटे पहले ऑर्डर करना है, और 2 घंटे बाद आके आप यहाँ से ले सकते हो। अभी के लिए फिलहाल हमारा पार्सल सिस्टम नहीं है, और आगे देखेंगे, अगर जैसे बढ़ता जाएगा पार्सल सिस्टम भी रख लेंगे। अभी मुझे खोले हुए बस 1 ही महीना हुआ है। उम्मीद है आपको, आप आइए हमारे पास, टेस्ट कीजिए, आपको पता चलेगा कैसा है। अगर अच्छा लगेगा तो दोबारा आने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों यही बोलना चाहूँगा कि पुष्पा जी जो कि उड़ीसा का जितने भी खान पान के चीज़ें हैं वो सारे चीज बनाते हैं, और ये उड़ीसा के खान पान के चीज को लेकर आगे दिखाना चाहते हैं, और पूरे छत्तीसगढ़ में पहुंचाना चाहते हैं, नहीं मेरे हिसाब से पूरा विश्व में पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा है कि इसमें आप अगर कुछ भी चीज अपलोड करते हैं तो मेरे हिसाब से जरूरी नहीं कि उसको सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोग ही देखेंगे, वो मेरे हिसाब से पूरी दुनिया तक पहुंच जाता है। तो पुष्पा जी को दिल से सपोर्ट कीजिएगा, और इनका जो लिंक है चैनल का, यूट्यूब चैनल है इनका, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर देखेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी पुष्पा जी नया वीडियो डाले तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, देश की जान, इंडियन आर्मी, जय हिंद।